खुश जहां राम राम मधुर धुन वहां। दीदी एक और कृष्ण, मतलब अपना ये जो नारायण सत्संग परिवार है, कई लोग जो नारायण रेखी से जुड़े हैं, तो उन लोगों का एक प्रश्न था, कई बार प्रार्थना की शक्ति से हर छोटी विश तत्काल पूर्ण हो जाती है, जिससे ढेर सारी खुशियों का अनुभव भी होता है, पर अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी विश के लिए काफी वक्त लगता है, तो कृपया सही साधना का मार्गदर्शन करें। ये अपने रेखी चैनलिस्ट का प्रश्न था। ओके ओके ओके, आपका प्रश्न ये दोहरा करते जरा सा कि छोटी विश हमारी तुरंत पूरी हो जाती है, बड़ी विश तो पूरी होने में समय लगता है, तो ऐसी साधना बताएं कि बड़ी विश भी हमारी जल्द पूरी। अब देखिए ब्रह्मांड को जो विश हमारी पूरी करता है ब्रह्मांड, इसके लिए छोटी बड़ी विश में कोई फर्क नहीं है, इसे तो सिर्फ तथास्तु कहना है। जो प्रार्थना आप अपनी छोटी विश के लिए कर रहे थे वही आप प्रार्थना इसके लिए भी करेंगे। हाँ, हो सकता है कि थोड़ी क्वांटिटी आप बढ़ा दीजिए, पर छोटी जब आपकी विश होती है तो आपके भीतर ही भाव रहता है कि छोटी सी विश है मेरी, मैं प्रार्थना करूंगी तो मुझे पता है मेरी झट पूरी होने वाली है। वो प्रबल भाव भी उस विश को पूरी करने में मदद करता है, साथ में आपकी प्रार्थना। अब प्रश्न आता है कि हमारी बड़ी विश क्यों नहीं पूरी होती अनेकानेक प्रार्थना करने के बाद भी। अभी आप जरा सा देखेंगे क्यों समय लगता है आपकी बड़ी विश पूरी होने में। ये आप हैं, ये आपकी बड़ी सारी विश है, इसके लिए आप बहुत अधिक प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जब जब भी आप प्रार्थना करते हैं और एफर्मेशन भेजते हैं, ये विश आपकी आपके नजदीक आती है। आप प्रार्थना करते हैं वाणी से, एफर्मेशन देते हैं वाणी से, बराबर है ना। आप जितनी बार एफर्मेशन देते हैं, ये ब्रह्मांड के पास आपकी विश जमा है। आपने एफर्मेशन दिया, आपने प्रार्थना की, चाहे थोड़ी की चाहे बड़ी की, ये विश आफ्टरवर्ड्स आपके पास आना शुरू हो जाता है। अब इस विश के लिए आप प्रार्थना बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पर आपको ये ध्यान रखना होगा, विशेषकर उसको जो इस विश के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपनी प्रायोरिटी विश के लिए प्रार्थना कर रहा है, हम अपनी वाणी से प्रार्थना करते हैं और उसी वाणी से यदि हमने किसी को ताना मार दिया, किसी की निंदा कर दी, किसी पर दोषारोपण कर दिया, किसी को सुना दिया चाहता, आप इसमें से कोई भी हरकत करते हैं, आपकी यह विश आपसे कोसों दूर चली जाती है, आपको वापस प्रयत्न करने पर। और इसमें ध्यान रखिए, यदि निंदा आपने कर दी, दोषारोपण आपने कर दिया, पीठ पीछे किया है व्यक्ति के, ये फिर भी चल जाएगा, चलेगा तो ये भी नहीं चलेगा, पर फिर भी चल जाएगा। पर आपने सामने वाले को ताना मार, सामने वाले को आपने सुना दिया, उसको छलने छलने कर दिया, उसकी आंखों में आंसू ला दिए, उसको काट कर दिया, ब्रह्मांड इमीडिएटली से पकड़ लेता है, नहीं छोड़ता कि तुमने उसे दुख दिया है, तुम्हें भी झेलना तो होगा, अब करो प्रार्थना। आपको क्या प्रिकॉशन रखना होगा ताकि आपकी बड़ी विश पूरी हो। सीधा सरल गणित है, आप जब एकादशी का व्रत करते हैं, आप अनाज नहीं खाते हैं, परहेज करते हैं, और मुझे अच्छे से याद है बचपन में उस पुण्य दिनों संतोषी माता का व्रत बहुत चला करता, उसमें ये था कि जब व्रत किया तो खटाई आपको नहीं खानी। हम देखते थे कई महिलाएं खटाई को, फ्रूट्स को छूती भी नहीं थी, खाना तो दूर की बात, छूती भी नहीं थी कि आज शुक्रवार है, संतोषी माता का दिन है, हमें खटाई खानी भी नहीं, छूनी भी नहीं, इतना परहेज था। तो यदि आपको अपनी विश पूरी करनी है तो इन चीजों से आपको परहेज करना। जिस वाणी से आप एफर्मेशन दे रहे हैं, जप कर रहे हैं, कई महिलाएं कहते रातों हमारा जप चलता है, पर उसी वाणी से आपने इसमें से जरा सा भी राई दाने जितना भी कर्म कर दिया, ब्रह्मांड आपकी विश को कोसों दूर कर देगा। तो आपको ध्यान क्या रखना, ये चीजें अपनी जीवा से एकदम हटा दीजिए,
एकदम साफ होंगे। जैसे ना एकादशी में आप अनाज को दूर रखते हैं, देखने के बाद बाद में एकादशी का भोजन बनता है कि कहीं भी अनाज का कण न चला जाए, इतना सेफ चलते हैं। तो मामले की इस पर ध्यान दिला सीता बड़े इश्क की पूरी हो रही, मुझसे ये काम हुआ है क्या? और विशेष कर ये वाला हम बहुत आसानी से कह देते हैं कि हमने सामने वाले को सुना दिया, आपको क्षणिक खुशी मिली, आपने सुना दिया, पर आपको ये एहसास नहीं होता कि क्षणिक खुशी तो मिली लेकिन ये बड़ी खुशी आपसे कोसों दूर चली। तो इस पर आपको बहुत अधिक फोकस करना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच दीदी।